किस्सा कुर्सी का सीएम को नमस्कार। झांसी की बबीना विधानसभा सीट से मैं हूं विनोद लांबा आपके साथ। बबीना विधानसभा सीट फिलहाल बीएसपी के पास है, जहां से कृष्णपाल राजपूत जी मौजूदा विधायक हैं। इससे पहले ये सीट समाजवादी पार्टी के पास थी। तमाम जनता हमारे साथ जुड़ चुकी है, तमाम नेता भी हैं। मौजूदा विधायक जी हमारे साथ हैं। कृष्णपाल राजपूत जी बीएसपी से आपका स्वागत है। समाजवादी पार्टी से सिंह व्रत सिंह जी हैं और बबुआ भैया आपका भी स्वागत है। बीजेपी से चंद्रप्रकाश मिश्रा जी हैं, टिकट के दावेदार कहे जा रहे हैं। कांग्रेस से राजू यादव जी हैं, आपका स्वागत है। बहुत कम लोग बीएसपी से आते हैं, विधायक होने के बावजूद आप आए हैं, तो कुछ विश्वास होगा आपको जनता के बीच जाएंगे 2017 विधानसभा चुनाव में। दो तीन बड़ी चीज बता दीजिए जिन्हें लेकर आप जनता के बीच जाने वाले हैं अगले विधानसभा चुनाव में। जो हमारे क्षेत्र की सड़कों की जो हालत खराब थी वो मैंने पूरा प्रयास किया है। विधानसभा में क्वेश्चन उठाने के बाद मैंने बहुत सारी सड़कें अपने यहाँ की कम्प्लीट कराई हैं। करीब 56-57 गांव में हमारी जो विद्युतकरण नहीं था वो मैंने अपनी निधि से 56-57 गांव में विद्युतकरण कराया है। सवाल है किसी का? जी आ रहा हूँ आपके पास। जी बीएसपी के नेता जी हैं हमारे चुने हुए विधायक जी हैं, तो इनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि इतने सालों में जी आज तक दिखाई नहीं दिए, दिखाई नहीं दिए, क्षेत्र में एक्टिव नहीं थे और बिजली की यहाँ इतनी समस्या रही। इन दो सालों ने कहा 26 गांवों में बिजली, विधायक जी यही कहा था ना आपने, 57 जो नए गांव जो गांव में बिजली नहीं थी वहां इन्होंने पहुंचाई है। एक साल सर इतनी समस्या रही यहाँ, सिर्फ ये पार्टी की वजह से यहाँ रोडें नहीं बन पाई। यहाँ से झांसी के लिए पहुंचने में हमें 3 घंटे लगते, करीबन 8-10 दिन बबीना की पब्लिक ने इतनी बुरी तरह से दिन गुजारे हैं कि 4 घंटे भी लाइट एवरेज नहीं, जो खराब था फॉल्ट जी एक कर्मचारी एक्सपायर हो गया था। अध्यक्ष जी हैं स्वामी चंद वगैरह, उन लोगों को भी सबको बोला कि भाई आप भी अपने नेताजी से कहो, हम भी अपने नेताजी से कह रहे हैं, लेकिन कोई सुनने को नहीं। भाई लोगों की आवाज आप लोग सुनते नहीं है, ये प्राकृतिक चीज है सर। भीषण बारिश हो रही है, आंधी आ रहा है, तूफान आ रहा है और कर्मचारी 8 दिन लगेंगे उससे सही होने में। 8 दिन से आंधी तूफान आ रहा है क्या? 8 दिन से आंधी तूफान आ रहा है यहाँ पे? नहीं 8 दिन से नहीं आ रहा है, कह रहे हैं 8 दिन से आंधी तूफान आ रहा है भाई। 8 दिन से लगातार तेज बारिश है, आंधी तूफान है, बाढ़ जैसी सिचुएशन है क्या? बाढ़ जैसी? नहीं 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 आ रही, सवाल नहीं सुनते ना आप, यही तो दिक्कत है। फिर मैं उसे कहते हैं नहीं नहीं, बबीना विधानसभा में ये लिखे के गए थे कि हम किसानों के लिए यहाँ नहर बनवाने का काम करेंगे, यहाँ की गरीबी को सुधारने का काम करेंगे, यहाँ का जो पलायन है उस पलायन को रोकने का काम करेंगे। तो पूरी विधानसभा की जनता ने इनको साथ दिया, इनको बना के लखनऊ विधानसभा भेजा। क्या इन्होंने अभी तक क्या कार्य किया है और जो पलायन हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है? किसानों की समस्या का जो वादा आप चुनाव में लेके उतरे थे उसका सवाल है, जवाब दे दीजिएगा। एक सवाल और ले लेता हूँ, इनकी पार्टी की महिलाएं सुरक्षित नहीं है, पूछिए सामने। कौन सा मामला है जिसका जिक्र कर रहे हैं? आपको जवाब देने का पूरा वक्त दे रहा हूँ, सोच समझ के जवाब दीजिएगा। हमारे भाई ने अभी कहा ये हमारे पार्टी के अंदरूनी मामला है, इनको क्या है, इनके पास कोई सबूत है क्या? पार्टी का अंदरूनी मामला है लेकिन जो महिला है वो तो महिला है। नहीं नहीं एक मिनट एक मिनट एक मिनट, आप जो व्याख्यान कर रहे हैं ये बात गलत है। सुषमा यादव जी कार्यकारिणी सदस्य 6 महीने से बर्खास्त हैं, उन्हें सर्किट हाउस में जाने का अधिकार नहीं था। आप जो जिक्र अभी हो रहा था, नहीं हम तो आम जनता हैं, हमने पेपर पढ़ा, उन्हें सर्किट हाउस में जाने का अधिकार नहीं था, वो जबरदस्ती गई, केस उन पे लगने चाहिए था। भाई विधायक जी आप ये बताइए, विधायक जी कि जो किसानों की बात करके जिस सीट पर आप विधायक चुने गए उनके लिए क्या किया? पलायन नहीं रुका है? पलायन समस्या है क्षेत्र की नहीं है? नौकरी की व्यवस्था है कि नहीं है? है कि नहीं? हाथ खड़े करके बताओ। कोई व्यवस्था नहीं है, यही आपके दो बड़े वादे थे विधायक जी, वो जनता आज भी जस के तस है। ये मुश्किल हो जाएगा आपको 2017 विधानसभा चुनाव? ये कोई भी यहाँ पर जो हमारे जो साथी खड़े हैं, जो हमारे भाई ने क्वेश्चन किया है, एक सिंगल पूरी विधानसभा से एक कोई ये कह दे कि मैंने किसी को नहर का वादा किया, मैंने पलायन रोकने का वादा किया, एक सिंगल कोई भी किसान कह दे कि वादा ही नहीं किया था। कोई वादा मैंने किसी के, ये समस्या जस की तस रहेगी, ना वादा करेंगे ना इस पे कुछ काम करेंगे। काम किया लेकिन मैंने कोई वादा नहीं किया। माननीय जो उमा भारती हैं, जब से वो जीती हैं यहाँ तक, मतलब आज तक इस विधानसभा में आई नहीं है। और मोदी जी माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने कहा था अच्छे दिन आएंगे, लेकिन हमें लगता कि इससे बुरे दिन आज तक भारत के हैं, बुरे आगे। भाई आप जवाब दीजिए, थोड़ी जिम्मेदारी आपकी भी बनती है। हमारी सांसद बराबर आती हैं और कब आई, कितनी बार आई? अभी आई, 1 महीने पहले आई थी। इस लोकसभा सीट पर कब आई? अभी 1 महीने पहले आई थी। कहाँ आई थी? झांसी में आई थी और बबीना में रक्षा में आई थी। 1 महीने पहले रक्षा में उमा भारती जी आई थी क्या? झूठ बोल रहा है। नहीं आई थी, नहीं आई थी, नहीं आई थी, उसके बाद नहीं आई। बहुजन समाज पार्टी से मैं पूछना चाहता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार थी तो इन्होंने पत्थर के हाथी बनाए, आज तक वो जो बने हुए खड़े हाथी हैं वो बैठे नहीं है और जो बैठे हाथी वो खड़े नहीं हुए, क्या ये इनका विकास है? पानी नहीं है और जगह की सफाई है, उन्होंने रह गई है,
सांसद निधि का पैसा रेलवे की सीटों पे लग रहा है भाई। सांसद निधि का जो पैसा है वो रेलवे के काम में लग रहा है, यहाँ के क्षेत्र में नहीं लगा रहे हैं आप। मैं राजापुर ग्राम पंचायत से आया हूँ और मेरे यहाँ पशुओं को पीने की व्यवस्था नहीं थी, आदमियों को पीने की व्यवस्था नहीं थी, दो दो तीन तीन किलोमीटर दूर से पानी लेके आए हैं, लेकिन किसी को बूंद बूंद पानी को तरस गए। माननीय विधायक जी क्या एक दिन गए? जो भी यहाँ पे विधायक कोई सांसद जीतता है अच्छे दिनों का तो वादा करता है, लेकिन व्यवस्थाओं में रूखापन रहता है, चेहरे पर सूखापन रहता है, कोई भी व्यवस्थाएं धरातल पर नहीं आती हैं, वादे होते हैं ज्यादा। हम लोग एक महीने पहले बूंद बूंद पानी के लिए तरसे ग्राम घुगुआ में और दो दो किलोमीटर दूर पानी पानी की समस्या है। पलायन उस वजह से नहीं कर रहे कि जो विधायक जी ने वादे किए थे, पलायन केवल इस वजह से हुआ, कुछ समाजवादी की गुंडागर्दी भी तो है, उस वजह से होते हैं पलायन, गुंडाई के चक्कर में भी पलायन होता है। ये आरोप हर विधानसभा सीट पर क्यों लगता है समाजवादी पार्टी पर? बिल्कुल गलत है। लगता है कि नहीं लगता है? बिल्कुल गलत है। बिल्कुल लगता है कि नहीं लगता? जब विरोधियों के पास में कोई मुद्दे नहीं बचते हैं, हमें विकास में हम इतनी आगे बढ़ चुके हैं कि हमारे ऊपर कोई आरोप लगाने के ऊपर आरोप उनके पास नहीं बचता है, तो वो अपने बचाव के लिए इस मुद्दे की गुंडाई नहीं है, हम किसी तरह की कोई बुंदेलखंड अलग बनाने की बात उमा जी ने की थी, उसका जवाब नहीं चाहिए आपको? तो सुनिए फिर, सुनिए फिर। डेढ़ महीने पहले झांसी के अंदर उन्होंने बैठक बुलाई, उन्होंने कहा कि हम केंद्र में बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में बात चल रही है हमारी कि बुंदेलखंड बनना चाहिए और प्रयास में। और सवाल ले लेते, चलो और सवाल। वकील साहब, भैया सबसे पहली समस्या हमारे यहाँ कानून व्यवस्था की, और किसानों को जो मुआवजा बट रहा है उसमें बबीना क्षेत्र के किसानों को तो मुआवजा मिला ही नहीं है, अगल बगल लाखों रुपए बट गए। इतिहास में पहली बार किसानों को मुआवजा, भरपूर मुआवजा मिला पिछली सरकार में। भाई किसानों को मुआवजा मिल गया है बबीना में, सबको सबको मिल गया है, कुछ को मिला है कुछ को नहीं मिला है, मिला जुला रिएक्शन है जी। पूछी जाए ये बात, तमाम पार्टियों के तमाम दावे हैं, कुछ काम हुए हैं कुछ काम नहीं हुए, और अब जनता को भी फैसला लेना है कि अगले विधानसभा चुनाव में किस ओर जाना है। बबीना क्षेत्र से फिलहाल इतना ही, कैमरामैन प्रकाश तिवारी के साथ विनोद लांबा, इंडिया न्यूज। किस्सा कुर्सी का सीएम कौन, नमस्कार। रानी लक्ष्मीबाई की नगरी और दादा ध्यानचंद की कर्म भूमि से मैं हूं आपके साथ विनोद लांबा। आज बात करेंगे झांसी सदर विधानसभा सीट की, जहां से मौजूदा विधायक हैं रवि शर्मा, बीजेपी के, इससे पहले ये सीट बीएसपी के पास थी। तमाम जनता के सवाल लेंगे और लोगों से अनुरोध करेंगे कि सीधे सवाल पूछें। समाजवादी पार्टी की तरफ से दीप माला कुशवाहा जी हैं, घोषित उम्मीदवार हैं इस सीट से, और बीजेपी की जो विधायक हैं उनके प्रतिनिधि संजीव सिंह ऋषि जी का अभी इंतजार हो रहा है, क्षेत्रीय मंत्री भी हैं बुंदेलखंड का। लेट हो गया, काफी इंतजार करा दिया आपने, जनता का तो इंतजार नहीं कराते ना आपके मौजूदा विधायक? देखिए बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, पानी बारिश हो रही है, अभी ये पुल बन रहा है तो उस कारण से जाम था, उसमें फंस गया। उसमें तो कुछ जिम्मेदारी आपकी भी होगी, चार साल से विधायक जी थे, अगर ये सब समस्याएं थी तो आपको जो झेलनी पड़ रही है लोगों ने और ज्यादा झेली होंगी। जिम्मेदारी के कारण वो जल्दी हो रहा है, अभी बीच में रोक दिया गया था, उसका मार्ग भी नहीं बना, साइड में जाने वाला मार्ग, शहर को जाने वाला मार्ग भी नहीं बना था, वो हम लोगों के धरने पर बना है। मुद्दों की बात कर लेता हूँ, जनता से पूछ लेता हूँ, कुछ मुझे मुद्दे बताइए झांसी सदर के, सबसे बड़े मुद्दे क्या? आज भी 40% से अब जनता ऐसी है जिसको पाइपलाइन का इंतजार है, पीने के पानी के लिए। ये आश्चर्य नहीं है, शहर में कई कई किलोमीटर दूर जाके लोग पानी ला रहे हैं, पानी बिक रहा है। विधायक जी ने अपने पर्सनल टैंकर चला करके लोगों को, जहाँ जो छोटे इलाके हैं, जहाँ हमारे पूरा झांसी 7 गेटों के बाहर अधिक है, गेट के अंदर पानी की समस्या कम है, फ्री पानी गया था, फ्री पानी टैंकरों के द्वारा पानी गया। एक बड़ी योजना मैं आपको बता दूं, यही सब देखते हुए पिछले 4 सालों में उमा भारती जी के साथ बैठक हुई और उन्होंने झांसी में महायोजना जो कि 950 करोड़ की योजना है, आने वाले 40 साल तक झांसी को पानी के टैंकर चले थे क्या विधायक की निधि से? पानी के टैंकर पहुंचे थे क्या कहीं? देखे किसी ने? कहां गए? देखे नहीं किसी ने, कहां गए वो टैंकर? पानी की दिक्कत है वहाँ पे, विधायक जी ने टैंकर भेजे वहाँ? नहीं, वहाँ पे कोई टैंकर नहीं पहुँचा है। टैंकर नहीं पहुँचा, नहीं पहुँचा। पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है वहाँ पे, बहुत दिक्कत में है लोग। वार्ड नंबर 33 में एक मोहल्ला है कसाई मंडी से लगा हुआ, जिसमें 50 परिवार रहते हैं, वहाँ जो बारिश होती है कोई भी पानी है, पानी निकलने की व्यवस्था नहीं है, जबकि कॉलोनी जो बनाई है लोगों ने वो मेन पानी बंद कर दिया। जो लक्ष्मी ताल के लिए 54 करोड़ रुपए आना था उसमें 70% भारत सरकार को लगाना था, वो घटके 50% करा दिया, ये उमा भारती जी ने किया है। अभी जो गढ़मऊ झील के लिए परियोजना स्वीकृत थी जिसमें जिसका धन रुकवा दिया, ये उमा जी ने किया है। झांसी संसदीय सीट है आपकी, झांसी की जिम्मेदारी है, आप ये बताइए हम उनको ढूंढने कहां जाएं? गरीब आदमी उस कॉलोनी के अंदर घुस नहीं सकता जहां वो रह रही हैं। कौन? उमा जी, गरीब आदमी वहां जा नहीं सकता, कभी ढूंढ रहे थे दिखाई नहीं दे। कैलाश रेजिडेंसी है, ओम शांति, जहां के रुकती हैं, जहां आकर रुकती हैं,
सर्किट हाउस आरएमबी की पहुंच से बाहर हाउस के अंदर मीटिंगें हो जाती हैं। आप सर्किट हाउस की जगह नहीं जा सकता। मैं आपको बताना चाहता हूं, कोई मांग अगर कोई मांग रखनी हो किसी को तो आम आदमी को मिलने नहीं दिया, मिलने नहीं दिया जाता, क्योंकि उसका अंदर ही नहीं जाने दिया जाता। मैं आपको बताऊं, सांसद जी यहां से चुनी गई, वो चरखारी से भी चुनी गई थी, लेकिन वहां पे भी यहां से लड़ती वो कभी नहीं जाती दोबारा। यहां पर प्रदीप जैन आदित्य मंत्री रहे, उन्होंने कहा था कि मैं कांग्रेस से ना कांग्रेस से मैं सूती मिल चालू कराऊंगा। उन्होंने सूती मिल चालू नहीं कराया, युवाओं को रोजगार मिलता उससे। उन्होंने कहा मैं यहाँ पर हवाई अड्डा बनवाऊंगा। हवाई अड्डा का अभी नाम पता नहीं, जाने फर्जी कितनी जांचें हो गई। सबसे ज्यादा राज इन्होंने किया, अच्छा सबसे ज्यादा कांग्रेस से राज किया, एक भी हर चीज ना इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है ना ही बिल्कुल भी ध्यान नहीं। सर से बीजेपी सर से मेरा सवाल है कि महंगाई का जमाना है, इसके लिए उन्होंने क्या कदम उठाया है? महंगाई नहीं रुक रही है, महिलाओं के लिए बड़ा मुद्दा है। हमने गरीबों को उज्ज्वला योजना के माध्यम से ऐसी महिलाओं को कनेक्शन देने का, गैस का कनेक्शन देने का काम किया जो धुएं में अपनी आंखें फोड़ रहे थे। ऐसी महिलाओं को हमने काम सिलेंडर फ्री सिलेंडर देने का काम किया है। सिलेंडर पहुंचे हैं भाई। सिलेंडर की एक बड़ी योजना है केंद्र की, वो पहुंची है कि नहीं? पीछे से जवाब दीजिए मुझे, पूछिए पहुंची है। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है कानून व्यवस्था का। आदमी माँ बेटी की इज्जत लूटी गई है, तो क्या जवाब? आपने पूरे झांसी शहर के अंदर कैंप लगा करके पब्लिक से वोट डलवा करके स्मार्ट सिटी के नाम पर उनको ठगने का काम किया, लेकिन स्मार्ट सिटी नहीं दी, बिल्कुल घोषित हुई नहीं ना, बिल्कुल नहीं की उन्होंने। क्या स्मार्ट सिटी का क्या? भैया ने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, और लगातार चूंकि अब एक बड़े गर्व की बात है कि हमारे यहाँ क्षेत्र से सांसद उमा भारती जी जिनके माध्यम से झांसी को स्मार्ट सिटी घोषित किया गया। दूसरी चीज, एक रेलवे स्मार्ट सिटी बना रहा है पूरे हिंदुस्तान में, जो पहले नंबर पर घोषित हुआ है कि झांसी रेलवे स्मार्ट सिटी भी झांसी शामिल है उसमें। आप ये देखो, जो डिवाइडर बनाए गए झांसी के विकास के लिए, जो डिवाइडर बीच में बनाया है, रोड चौड़ी नहीं हुई, डिवाइडर बन गए और छोटा हो गया। हाँ, रोड चौड़ी नहीं हुई, डिवाइडर बन गए, और डिवाइडरों में जो मिट्टी भर दी गई है वो काली मिट्टी बननी चाहिए, तो उसमें कचरा भर दे रहा है। पेड़ लगा दिए 100 के लिए, इतने बड़े बड़े। एक हमारे राकेश पल्लेदार सूजे का खिड़की पर बारिश बहुत हुई अभी पिछले 2-3 दिन में, तो पानी भर गया था। जो मेन होल होती है सड़क के बीच में, एक होल खुला था, वो बंदा होल से घुसा और घुसने के बाद उसकी लाश दूसरे दिन पेड़ पे टंगी मिली। तो इसकी जिम्मेदारी क्या महापौर जी लेंगे? ना काम का क्रेडिट ये ले सकते हैं, ना लूपहोल की जिम्मेदारी ये ले सकते हैं, क्योंकि एक बात आपको बता दूं, ना ये कुछ कार्य कर रहे हैं, ना ये कुछ कार्य कर रहे हैं, और कार्य तभी होगा जब हमारा बुंदेलखंड राज्य बन जाएगा। सरकार कहती है कि छोटा परिवार सुखी परिवार, तो क्या छोटा राज सुखी राज नहीं हो सकता है? देखिए, झारखंड और उत्तराखंड ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि जब से वो अलग हुआ है वो किस तरीके से उस वहाँ पे कमजोरी और बेरोजगारी और किस तरीके से वहाँ दयनीय स्थिति है। इतवारीगंज के अंदर मुस्लिम बस्ती है, वहाँ पर कचरा अंबार लगा हुआ, महापौर से मिले हम लोग जाके सारे लोग, मगर आज तक समाधान नहीं हुआ। आज 15 दिन हो चुके हैं उस मामले को। मेरे एरिया में कम से कम 15 सालों से पानी की बिल्कुल, कचरे की बिल्कुल इतनी व्यवस्था खराब है, कोई भी झाड़ू लगाने नहीं जाता। कई बार मैंने शिकायत भी की है। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रतिनिधि बैठे हैं, विधायक प्रतिनिधि बन के आए, इनसे जो पूछो, तुम्हारे विधायक जो फर्राटे भरते हैं गाड़ियों से बाढ़ में जाते हैं देखने, आज तक कोई समस्या इन्हें निपटाई नहीं। चुनाव बहुत नजदीक आ रहे हैं और किस मुद्दे पे लड़ा जाएगा वो आप सबको जानकारी होनी चाहिए, बीजेपी को भी, समाजवादी पार्टी को भी, कांग्रेस को भी, और इस खाली कुर्सी को भी। शायद हमारे बीच में ना आए हो, आप लोग के बीच में आ जाए, आप जवाब सवाल वहां से कर लीजिएगा। फिलहाल झांसी सदर विधानसभा सीट से इतना ही। कैमरामैन प्रकाश तिवारी के साथ विनोद लांबा, इंडिया न्यूज। इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक पर जाने से पहले किस्सा कुर्सी का सीएम कौन? नमस्कार, गरौठा विधानसभा सीट से मैं हूं विनोद लांबा आपके साथ। तमाम जनता हमारे साथ जुड़ी है, इन जनता के सवाल नेताओं तक पहुंचाएंगे। उससे पहले आपका परिचय करा देते हैं। 10 साल से सीट समाजवादी पार्टी के पास है। दीप नारायण सिंह यादव जी यहां के मौजूदा विधायक हैं, जो लगातार 2 बार से हैं, और उनके प्रतिनिधि के तौर पर हमारे साथ हैं जनक सिंह जी, समाजवादी पार्टी के नेता। आपका स्वागत है। ग्राउंड जीरो रिपोर्ट क्या है? 3 बड़े मुद्दे यहां के गरौठा विधानसभा के क्या हैं? जी, करोटा विधानसभा, 4 विधानसभाएं जो झांसी जिले में है, उनमें सबसे पिछड़ी जो विधानसभा है, जिसमें अधिकतर किसान बसते हैं, और किसानों की ऐसी स्थिति है कि वहां गांव, हर गांव के किसान आत्महत्या कर रहे हैं। इस एक गांव में तकरीबन महीने में 4-5 केस मिल जाते हैं इस विधानसभा में आत्महत्या के। इसके अलावा सड़कें बेहाल हैं, किसान शहरी से मतलब अगर मुख्यालय से जुड़ना चाहे कटा हुआ है, नहीं आ सकता है। ऐसा है कि जो 50-60 साल का जो मतलब विकास नहीं हुआ, उसको हमने 5 साल में पूरा करने का काम किया हमारे विधायक जी ने। बिजली की बात तो एक नहीं है, दो नहीं है, तो कई मोहल्ले हैं।
343 के करीब गांव हैं, लोगों ने कहा कि हम 20 घंटे बिजली देंगे, पिछले मैनिफेस्टो में था, इस बार फिर था, 20 मिनट बिजली नहीं आती। आत्महत्या जो जितनी भी गरौटा तहसील में हो रही है, भूख से भी हो रही, कुछ आपसी तनाव से भी हो रही, ये बात सत्य है कि सूखा राहत की घोषणा की गई, गरौटा तहसील में आज तक सूखा राहत नहीं दिया गया है। गरौटा विधानसभा क्षेत्र में जो गरीबों के लिए राशन कार्ड आता है, वो गरौटा के अंदर खुलेआम इकट्ठा करके समाजवादी पार्टी के दलाल मतप्रदेश में बेचने जाते हैं गरीब जनता को। एक यहाँ जो माल आता है, यहाँ सुन ली, मैं समझ तो लूं, जो यहाँ माल आता है वो चला जाता है मध्य प्रदेश की ओर। जी, वहाँ पे एक सिस्टम है, एक बहुत बड़ा रैकेट है गरौटा विधानसभा के अंदर। जो चावल गेहूं कोटेदार का आता है वो एक जगह है, उनके माफिया है, एक रैकेट है, वो पूरा इकट्ठा कैप्चर करते हैं कोटेदारों से। किसान ही आत्महत्या क्यों करता है भाई? नेता हैं, उद्योगपति हैं, कर्मचारी हैं, कभी आप लोगों ने सुना कि किसी उद्योगपति? वाजिब सवाल है। आत्महत्या क्यों करता है सर? सरकार ने, हमारी ने बहुत काम किया है किसानों के ऊपर, किसानों के लिए राहत पैकेट दिए हैं, किसानों को राहत अभी तक जितनी राहत नहीं मिली होगी 50 सालों में, कई बार सूखे पड़े। आत्महत्या अब भी नहीं रुकी है? आत्महत्या नहीं रुकी है तो आत्महत्या कारण मैंने ये माना कि किसान की माली हालत अपेक्षाकृत व्यापारियों से, ये मानिए ना। हाँ, तो ये तो सवाल है। दो दिन पहले भाई साहब से पूछते हैं, आप सत्ता में हैं, बैंक में यदि किसान आत्महत्या करता है तो उसका जिम्मेवार कौन है? बैंक में करता है जी, गरौटा विधानसभा में, बामोर ब्लॉक के बैंक में। जी 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 जी, नहीं मिला होगा जी जी, पैसों के लिए गया, तड़पता रहा। ये से किस बोल रहे हैं? झूठ बोल रहे हैं। हाँ भाई, आप झूठ बोल रहे हो। बैंक में सीसी फुटेज चलता है, यदि हम गलत है तो उसकी डेड बॉडी दिखाई देगी। बामोर का बैंक है, वो बैंक के कर्मचारियों ने स्वीकार किया इस बात को कि हमारे यहाँ आए थे। जुआ सट्टा जो कच्ची शराब के लाइसेंस इनके संरक्षण में होते हैं, इससे प्रशासन भी मौन रहता है, शासन भी मौन रहता है, इसका क्या कारण है? तो समाजवादी पार्टी के द्वारा, जैसे समाजवादी पार्टी सरकार बनी है, तो 108 एम्बुलेंस पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य के लिए चल रही है, उनका कोई उपयोग नहीं होता, उनका टोटल दुरुपयोग हो रहा है। जब भी उनको कहा जाता है कि आप आ जाइए तो वो कहते डेढ़ घंटे बाद आएंगे और वो कहीं ना कहीं बैठे पाए जाते हैं। सरकार ने 15 मिनट के अंदर, 15 मिनट से लेकर 30 मिनट तक गाइडलाइन है। हाँ, गाइडलाइन उनके लिए ये टाइम है, इतने में या तो पहुंचेगी या आपको बता दिया जाएगा। यदि व्यस्त है, मान लो किसी मरीज को लेके जो है, यही तो कह रहे हैं डेढ़ घंटे में आती है, उसको आप देखिए। एक मिनट भाई, हम पता चला गया गुरसाए सेंटर में पूछा गया, वहां की झांसी गई है लेके मरीज को, बामोर गई है, तो हर जगह का रिकॉर्ड लेके लखनऊ से उसकी मॉनिटरिंग होती है। और यदि नहीं है उपलब्ध तो बता दिया जाता है कि भैया आप अपनी खुद की व्यवस्था कर लीजिए। और बीच में रोड खराब हो, थोड़ा और टाइम नहीं 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 टाइम नहीं लगता है। ठीक है, कोई और सवाल लीजिए। में समाजवादी पार्टी ने एक भी मिनिस्टर नहीं बनाया, मुख्यमंत्री बात तो बहुत अलग हो गई है। बुंदेलखंड ने दिया, ठीक है, ये सवाल है भाई। बुंदेलखंड का इतना जिक्र करते हैं, यहाँ का मंत्री बनाना चाहिए था। बुंदेलखंड से मंत्री बनना चाहिए, बुंदेलखंड का प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। हाँ। और बुंदेलखंड को प्रतिनिधित्व किसी न किसी रूप में दिया गया है। बसपा शासन काल में बुंदेलखंड से 8 मंत्री थे। मैं ये कह रहा हूँ कि इनके मंत्रियों से इनसे पूछिए क्या भला कर पाए बुंदेलखंड का। क्या कर पाए भाई, 8 मंत्री थे, क्या भला कर पाए? जनता देख रही है हम लोगों ने क्या भला किया। भान प्रताप जी वर्मा जो आदर्श सांसद है वो है, लगातार आते हैं लोग, जो है प्रचार करते हैं। गरीब असहाय व्यक्ति कोई जनप्रतिनिधि ना बन पाए, समाज ताकतवर व्यक्ति के कोई प्रतिनिधि बनना मुश्किल है, तो उनको परेशान करते हैं बाकी लोग। चलो ठीक है, अब ये जनता तय करेगी कौन किसको परेशान करता है और कितनी परेशानी कोई नेता कोई पार्टी हल कर पाती है। अब ये गरौटा विधानसभा की जनता के हाथ में फैसला है और जनता जनार्दन फैसला करेगी 2017 विधानसभा चुनाव का। कैमरामैन प्रकाश तिवारी के साथ विनोद लांबा, इंडिया न्यूज़।